भारत के भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री जगत ताऊ हरियाणा निर्माता जननायक चौधरी देवीलाल जी की समाधि संघर्ष स्थल पर जजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने ताऊ के अनुयायियों के साथ मिलकर श्रद्धांजलि भेंट कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने हिसार में जनता द्वारा उनके द्वारा दिए गए पानी के टैंकर वापस लौटाने के मुद्दे पर कहा कि यह केवल कुछ चुनिंदा लोगों की साजिश है जो प्रदेश का विकास देखकर खुश नहीं है। बोल सकता हूँ कि कुछ चुनिंदा लोग अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो तमाम लोगों की बात नहीं है। मैं सांसद था जब भी मैंने 250 से ज़्यादा पानी के टैंकर दिए थे। अब भी प्रयास है कि हर गांव में मूलभूत सुविधा पहुँचाने का काम करें। और जहाँ किसान की बात है, मैंने पहले दिन कहा था और आज भी कहता हूँ कि MSP एक नहीं, हम 6 फसलों पर दे रहे हैं। आज 1,00,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा गेहूँ हरियाणा प्रदेश में आया है। इसको पूरी तौर पर परचेज भी किया है और परचेज कर किसान को जल्दी से जल्दी लिफ्टिंग कर उसका पैसा खाते में पहुँचाएगा। ये हमारा उद्देश्य है और मुझे लगता है कि किसान के खाते में पैसा पूरा पहुँचे चौधरी देवीलाल जी का एक सपना था जिसको हम पूरा करते हैं। सर, जब किसानों के लिए इतना किया जा रहा है तो फिर क्या नाकाम रही है सरकार की भी किसानों को समझाने में? एक चीज़ कहूँगा कि जो 40 नेता इस आंदोलन को शुरू करे थे, दिल्ली पहुँचे थे, आज उनको चर्चा करें। केंद्र की सरकार ने तो कई बार कहा हम चर्चा को तैयार, मगर जिस तरीके से चर्चा से आज अपने आप को दूर रख रहे हैं, ये दिखाता है कि उनकी मंशा किसानी को मजबूत करने की नहीं। क्या सर, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, क्या JJP आप पहल करेंगे कि सरकार तो किसानों की बातचीत हो? 40 नेता तैयार होते हैं तो जरूर हमारी तरफ से जितनी मदद होगी हम पूरी तरह। आज स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को हमारे बीच से गए 20 साल को हमारे 2 दशक के सफर के अंदर आज भी हरियाणा के प्रत्येक कोने में और देश भर के अंदर उनके जितने चाहने वाले की सोच से जुड़े लोग हैं उनको पूरी तौर पर याद भी करते हैं। और इसीलिए आज किसानों के मसीहा के तौर पर मेरे के मसीहा के तौर पर उनको जाना चाहता हूँ। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि वो राजनीति के अंदर कोई सच नहीं थे, वो एक इंस्टीट्यूशन थे जिनने देश की राजनीति में बड़े बड़े बदलाव लाने का काम किया। तो मेरे के बेटे को भी तख्त तक कैसे पहुँचाया गया, ताज कैसे पहनाया गया, वो ऐतिहासिक कदम उन्हें उठाने का काम किया है। और आज उसी को देखते हुए प्रदेश देश भर के अंदर तमाम उनके जो विचारधारा से जुड़े लोग उनको नमन भी करते हैं, याद भी करते हैं। और मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि जो नई पीढ़ी है, जो हमारे से कम उम्र के युवा साथी हैं जिनने चौधरी देवीलाल जी को स्वयं ना देखा और आज उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके संघर्ष को और उनके लाए हुए बदलावों के बारे में जानना चाहिए कि किस तरीके से सोशल अपलिफ्टमेंट के ऐतिहासिक कार्य चौधरी देवीलाल जी ने। किसानों के दौर में कोई ऐसी कल्पना कर सकता है कि किसी को संसदीय दल का नेता चुना जाए और वो प्रधानमंत्री का पद किसी और को दे दे? इतिहास में तो शायद वो इकलौती बार चौधरी देवीलाल जी ने ही कर दिखाया है। और उस समय भी रहते हुए उनने ऐसे बदलाव करे थे जिसको आज देश फॉलो कर रहा है, चाहे वो रोटी देने की बात हो, जैसे काम के बदले अनाज हो, आज मनरेगा के तौर पर देखते हैं, उस समय जच्चा बच्चा योजना हो जिसको आज मैटरनिटी के तौर पर देख रही है, बुढ़ापा पेंशन का पौधा हरियाणा से लगा और आज देश भर के अंदर चालू है, अनेकों ऐसी चीज़ अगर गिनाने लग जाएँ तो शायद वो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर चर्चा करते करते लंबा अरसा लग जाएगा।